हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 55। इस एक्सरसाइज में यूज करना है हैड। यूज ऑफ हैड यानी कि हैड का प्रयोग। हैव या हैज का पास्ट रूप हैड होता है। हैड से भी भूतकाल के कर्ता के स्वामित्व या अधिकारी या संबंध का प्रकट किया जाता है। जैसे मुझे एक गाय थी, आई हैड अ काउ। आपके पास दो घोड़े थे, यू हैड टू हॉर्सेस। तो चलिए इस एक्सरसाइज को बनाते हैं। यह एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 55 है। इस एक्सरसाइज का पहला वर्क है, ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास एक हाथी था। सेम उसी प्रकार बनाना है, सिर्फ यहाँ पे था है इसलिए हेड हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी रहे, यहाँ पे था थी थे हैं तो हेड होगा। ओके, आई हैड हम लोगों के पास एक गाय थी। वी हैड अ काउ। तुम्हारे पास एक नई मोटरसाइकिल थी। यू हैड ए न्यू बाइक। आपके पास एक भूरा कुत्ता था। यू हैड अ ब्राउन डॉग। उसके पास दो घोड़े थे। ही हैड टू हॉर्सेस। उसके पास सुंदर चूड़ियाँ थी। सी हैड ब्यूटिफुल बैंगल्स। किसान के पास चार बैल थे। द फार्मर हैड फोर ऑक्सन। बच्चे के पास एक बल्ला था। द चिल्ड्रेन हैड ए बैट। बच्चों के पास खिलौने थे। द चिल्ड्रेन हैड टॉयज। सचि के पास एक हाथी था। ससी हैड एन एलिफेंट। उसे बहुत समस्याएं थी। ही हैड मैनी प्रॉब्लम्स। उसे अच्छे दोस्त थे। ही हैड गुड फ्रेंड्स। उन लोगों के पास लाल कलमे थी। दे हैड रेड पेंस। छात्रों के पास थैले थे। द
द स्टूडेंट्स हैड बैग्स। मेरे भाई के पास एक साइकिल थी। माई ब्रदर हैड बाइसिकल। मेरी बहनों के पास दो बिल्लियाँ थी। माई सिस्टर्स हैड टू कैट्स। मेरे पास रुपए पैसे थे। आई हैड मनी। तुम्हारे पास शहद था। यू हैड हनी। इसे एक छोटी पूंछ थी। इट हैड ए स्मॉल टेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।